नमस्कार, सुविधा चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है अगर पर्व त्योहार न होते। हमारा जीवन ऐसे सांसारिक चक्र में बंधा है जिसमें काफ़ी ऊंच नीच आते रहते हैं। सुखद और दुखद क्षणों का अनुभव हमारे लिए अनिवार्य है। पर्व त्योहार हमारे जीवन के अच्छे पहलुओं का सुखद स्मरण कराते हैं। ये हमारे उन सपनों का साकार रूप और प्रतीक हैं जिनके लिए हम संघर्षरत हैं। यही वजह है हम इन्हें उत्सवी वातावरण में पूरी धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाओं और बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं। जीवन का जश्न शायद इसे ही कहते हैं। पर्व एक प्रकार से हमारे और पूर्वजों के बीच संपर्क सूत्र का काम करते हैं। अपने जमाने में वे भी इन पर्व त्योहारों को मनाते थे। पर्व पूर्व और वर्तमान पीढ़ी की को एक दूसरे से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। परंपराएं, रीति रिवाज व अनुष्ठान हमें अतीत की दुर्लभ ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। वे हमारी आस्थाओं और विश्वास के अपरिहार्य संरक्षक भी हैं। अगर पर्व और त्योहार न होते तो मानव विकास की समूची प्रक्रिया प्रभावित होती। लेकिन विगत कुछ वर्षों में पर्वों की पवित्रता पर आंच आई है। इनका आयोजन आडंबरपूर्ण हो गया है। सादगी और गरिमा का स्थान दिखावे ने ले लिया है। इनके बहाने लोग अपने पैसे और रुतबे का भद्दा प्रदर्शन करने लगे हैं। आजकल इन अवसरों पर उपहारों का आदान प्रदान करना किसी प्रेमवश नहीं, बल्कि दिखावे के वश ही होता है। इन समारोहों में गरीब अमीर के बीच का फर्क अच्छी तरह मुखर होकर सामने आता है। इसे देख कर ऐसा लगता है मानो त्योहार तो संपन्न व विपन्न के बीच विभाजक रेखा खींचने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। इससे एक ऐसी अप्रिय व कटु प्रतिद्वंद्विता का जन्म हुआ है जो आगे चलकर समाज के लिए हानिकारक
हो सकता है। इस प्रकार के आडंबरपूर्ण आयोजनों से जहां राष्ट्र बचत में कमी आती है, वहीं महंगाई भी बढ़ती है। हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है, लेकिन इस प्रकार की विचारधारा देखकर यही लगता है कि इन्हें मनाना बंद कर देना चाहिए। तब समाज में अधिक समरूपता आएगी। पर यह भी तो हो सकता है कि इन पर्व त्योहारों को इनकी भावना व गरिमा के साथ बिना किसी आडंबर के मनाया जाएगा तो इनका असली आनंद भी हमें मिल सकेगा जब इनमें निहित उद्देश्य और इनमें निहित उद्देश्य भी पूरे हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।